क्योंकि आपको इस वीडियो देखने के बाद 5 मार्क्स आपको कोई नहीं काट सकता है। फाइनली मैं बात करूंगा यहाँ पे ग्राफ की विधि से हल करके बताऊंगा, आप लोग को ग्राफ में ले जाके भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको 5 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे। चलिए मैं आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया, ग्राफीय विधि में क्या होता है, 2 इक्वेशन रहता है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके उसके बाद एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है, और एक्स वाई मान निकालने के बाद आप लोग फाइनली क्या कीजिएगा, ग्राफ को काटते हैं। तो फ्रेंड्स सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मैंने पहला यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ, 2 इक्वेशन होगा, यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ 5x-3 यहाँ पे y=5, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3x-y=3। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई और इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, मतलब यहाँ पे 5 की जगह 6 रहता है, 4 भी रह सकता है, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। फाइनली आप लोग को समझना है, मैं आपको बंदूक सिखा सकता हूँ, चलाना तो आप ही को है। चलिए देखिए कैसे, तो फाइनली आप लोग को 2 इक्वेशन जब मिल जाएगा तो क्या करना, आप लोग को यहाँ पे पहला इक्वेशन लिख लेना, पहला इक्वेशन 5x-y=5, दूसरे यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ दूसरा इक्वेशन के लिए 3x-y=3, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा है 5x-y=5, तो आप लोग को सॉल्व कैसे करना है, ये 5x को 5x की जगह रहने देना है, ठीक है, इक्वल लिख लेना है। देखिए ये जो है 5, y जो है इधर आएगा, तो y जो इधर आएगा आपका, y आपका इधर आएगा, तो y देखिए माइनस में है, y क्या है माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, चलिए आपका बन गया। चलिए कैसे बन गया सर, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि आप लोग को भी इसी तरह बनाना, सेम प्रक्रिया इसी तरह करना, माना कि x=0, तो सर जब आप x=0 मानेंगे, देखिए x के जगह आप क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 5 प्लस वाई ये हो गया। ये होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 5, जब 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बच गया मेरे पास क्या 5 प्लस वाई, जब 5 प्लस वाई हो गया तो वाई इधर आएगा, फाइनली फ्रेंड्स वाई इधर आएगा, तो ये जो है 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाता है माइनस में, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे। चलिए अब ये तो x का x 0 रखे तो आ गया क्या मेरा -5, अब y का मान रख लेते हैं, जिस तरह हम बता रहे उसी तरह कोशिश करना है आप लोग को बनाने का। देखिए यहाँ पे जो y का मान रख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंपली, आप लोग भी इसी तरह लिखेंगे, माना कि y=0, जब y=0 मानेंगे तो फ्रेंड्स ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लीजिए लिखिएगा 5x=5+y, ये तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, y के जगह पे 0 रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x=5+0, तो फ्रेंड्स यहाँ क्या आ जाएगा 5x=5, ये आ जाएगा एड है 5+0 इक्वल क्या हो जाएगा 0, ये फाइनली आप लोग फ्रेंड्स समझ रहे हैं। तो ये जो है 5 5 खत्म हो गया, तो x इक्वल क्या हो गया मेरा 1, जब y रखे तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया। तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ गए, तो मैं फाइनली इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ, आप लोग भी नीचे बना लेंगे टेबल, इसके नीचे जस्ट टेबल बनाएंगे और इसमें लिख देंगे एक्स और वाई। तो भाई 2 कम से कम 2 बनाना है, आप लोग चाहे तो 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग फिर y का मान 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, जो रखना है रख दीजिए। जब आपने x का मान 0 रखा तो क्या आया -5, जब x का मान 0 रखे तो -5 आ गया, जब सर y का मान मैंने 0 रखा, y का मान 0 रखा तो आपका फाइनली x इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया हो। अगला देखिए, अगला जो है मेरा, इसको भी इसी सेम प्रक्रिया से बनाएंगे, 3x लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे 3+y, सर कैसे, इधर y जो है माइनस में, इधर आके क्या हो गया प्लस में हो गया, तब जो है माना कि x=0, x=0 तो 3 क्या हो जाएगा 3 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 3 प्लस वाई, ये हो गया। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0 हो गया, आप लोग समझ रहे हैं, 3 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, तो y को इधर ले आइए और 3 को उधर भेजा दीजिए, तो प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस क्या निकल गया 3, जब 0 रखे x=0 रखे तो माइनस आ गया 3, यहाँ पे 0 रखे थे तो माइनस आ गया था 5, छोटा सा हिसाब है लेकिन आप लोग को समझना है किस तरह से बनाना है। चलिए माना कि यहाँ पे फिर से लिखेंगे माना कि y=0, फ्रेंड्स ये वाला जो आप लोग इक्वेशन निकाले हैं ये नीचे वाला इसी को लिखना है 3x=3+0, सर कैसे, y का यहाँ जो y दिया हो y की जगह पर हमको क्या लिखना है 0, क्योंकि y इक्वल क्या माने हैं 0 माने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x=3+0 क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, 3+0 इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 3 खत्म हो गया, x इक्वल क्या आ गया मेरा 1, जब मैंने y का मान 0 रखा तो फाइनली मुझे क्या आया x इक्वल 1 आया। तो ये हो गया, समझिए ग्राफ विधि आप लोग समझ गए। तो फाइनली मैं यहाँ पे एक और टेबल बना लूंगा,
दो इक्वेशन आप लोग को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए कितने इजी तरह से आप लोग समझ गए वाई। तो आप लोग देखेंगे वाई एक्स इक्वल क्या रखे थे यहाँ पे जीरो, तो आया क्या माइनस थ्री। जब y इक्वल आपने जीरो माना आया क्या मेरा x इक्वल वन आया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए जैसे x इक्वल जीरो माने हैं, x इक्वल जीरो लिखे हैं, तो आपका y इक्वल क्या आ गया माइनस थ्री आ गया। जब माना कि y इक्वल जब आपने जीरो रखा तो आपका क्या आ गया वन आ गया। जीरो रखे हैं y के कॉलम में जीरो, तो आ गया क्या वन आ गया। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोगों को हम लेके चलते हैं ग्राफ पे, ग्राफ पे कैसे बनाना है वो भी सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास तो ग्राफ पे आपको नहीं बताएंगे, आप लोग को बोर्ड पे बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। आप लोग के पास ग्राफ वाला होगा तो ग्राफ में आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो मैं इक्वेशन जो निकाला था एक्स इक्वल जीरो तो निकला था माइनस फाइव, और वन इक्वल एक्स इक्वल वन तो निकला था जीरो। तो ये सारी प्रक्रिया को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। चलिए देखिए ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्स ये हो गया और ये एक्स एक्सिस ये हो गया और ये वाई हो गया और वाई एक्सिस ये नीचे वाला हो गया। तो फाइनली फ्रेंड्स इधर माइनस वाले रहते हैं और इधर प्लस वाले रहते हैं, आप लोग इस चीज़ को भी अच्छी तरह से जान ले। तो चलिए हम आपको बताते हैं, चलिए यहाँ पे क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल जीरो जो कि प्लस में है और माइनस फाइव निकला है। देखिए ये जो आपका हो गया आपका ये जो वाला पॉइंट हो गया जीरो हो गया और माइनस फाइव देखिए कहाँ, तो यहाँ पे आप लोग इंडिकेट कर देंगे। चलिए एक तो हो गया, दूसरा है वन और जीरो, वन और जीरो जो कि दोनों प्लस में है, वन और जीरो दोनों की एक प्लस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया वन और जीरो दोनों प्लस में है। चलिए दूसरा इक्वेशन में है जीरो तो माइनस थ्री, देखिए जीरो तो माइनस थ्री यहाँ पे आ गया, जीरो और माइनस थ्री वाला पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, आप लोग अच्छी तरह समझ ले ये हो गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम दिया हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, यही हो गया दूसरा इक्वेशन का भी। तो आप लोग क्या करेंगे ग्राफ विधि को मतलब होता है काटना, तो आप लोग इस तरह से इसको देखिए मिल गया कट गया, कट गया जैसे ग्राफ कटा तो आप लोग समझिए कि मेरा सही है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट जो है आप लोग लिख सकते हैं जीरो और थ्री माइनस थ्री, और यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो और माइनस फाइव इस तरह से, और यहाँ पे लिख सकते हैं वन और जीरो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये मेरा जो ग्राफ है कट गया। देखिए यहाँ से इस लाइन को क्रॉस किए और इस लाइन को भी मिलाना था तो मिलाए जो कि कट गया, ग्राफ कट गया। तो फाइनली आप लोग का जो हिसाब है सही हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी पता चले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। फ्रेंड्स आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।